Hi. Risha, look at over here. Hi, there you go. Hello everyone, welcome back to our channel. Our channel ka naam hai Find Yourself. Kaise hai aap log? Kaise ja rahe hai aap log? Yahan pe I love you all ka logo aa gaya hai ye raha. Aur abhi hum log filhal ja rahe hain Ranipur mein thoda kaam hai actually. थोड़ा सा सामान और लेना था तो वही लेने के लिए जा रहे हैं. कल भी मैं वहाँ पे गई थी, साथ में मम्मी की जो मिक्सी है पीछे यहाँ बैग रखा हुआ है. मिक्सी थोड़ी खराब हो गई तो हम लोग नो, इट विल बी डेंजरस नो. तो वो सब ठीक करवाने के लिए जाना है तो अभी फिलहाल निकल रहे हैं, जा रहे हैं. और स्कूल चालू हो गए ऑलरेडी. लुक एट दिस, सो मच ऑफ ट्रैफिक, राइट डैडी? Is there a school in America? No. No, it's India. School over India? तो यहाँ पे तो स्कूल चालू हो गए हैं. यहाँ पे पहले से एक महीना लग गए, फिर एक महीने की छुट्टी हुई और फिर अब वापस से स्कूल चालू हो गए. तो यहाँ के तो स्कूल का सिस्टम ही चेंज हो गया है. और जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, वहाँ पे भी जहाँ बच्चे रहे हम लोग रहते हैं वहाँ पे भी पूरा ट्रैफिक और स्कूल का सब रूल वूल सब चेंज है. सब कुछ हर जगह कुछ ना कुछ डिफरेंस है. बाकी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है, गर्मी बहुत हो रही है एक्सट्रीम लेवल. बाप रे, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है बाहर. आदि हमेशा अब ऑटो के बिल्कुल कॉर्नर पे बैठेगा. रिशा एकदम बीच में, जो ऑटो वाले भैया रहते हैं उनके पीछे खड़ी हुआ करेंगे. इन दोनों ने अपनी अपनी जगह सिलेक्ट कर ली है पता. और मैं और मम्मी हमेशा एडजस्ट मारते हैं, पापा ना हमेशा एडजस्ट मारते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी बीच में. बच्चों को अच्छा लगता है अपनी जगह सिलेक्ट करना. अच्छा है, बच्चों को इंजॉय हो रहा है, यही बहुत बड़ी बात है. हाँ आदि, योर फेवरेट इलेक्ट्रिक स्कूटर रिक्शा ये आदि की फेवरेट है. आदि की और प्रशा की, इन दोनों को बड़ा मज़ा आता है ये इलेक्ट्रिक रिक्शा में बैठने में. धीरे धीरे चलती है पर मस्त चलती है. तीनों यहाँ गाड़ी में बैठे हुए हैं, नानी जी वहाँ पे हैं. और मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने अभी ये मिक्सी खरीदी है तो इसके क्या रिव्यूज़ वगैरह हैं वो भी मैं बाद में बताऊँगी आप लोगों को, कहाँ से ली है ये भी बताऊँगी. तो अच्छे रेट में मिल गई, वही सोच रही थी कि अभी क्या करना है. गर्मी बहुत हो रही है, बच्चों की नानी जी आ जाए. हुआ ये कि अगर हाथ वाथ काम करवा लेंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि घर में क्या मिक्सी एक ही रहती है और अगर उसका काम अड़ जाए ना तो बस. बच्चे यहाँ पे बोर हो रहे हैं, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, बच्चों की नानी जी अंदर हैं. बस हो ही जाए उनका, दो चार मिनट में काम हो जाएगा तो वो आ जाएंगे. फिर जाते हैं हम लोग. बाहर का मौसम बहुत ही उमस वाला है. ये अभी हम लोग आ गए कोठारी मार्केट में. कोठारी मार्केट में ढूंढ रहे हैं एक फ्रूटी की दुकान. और ये गुरुद्वारे वाली लाइन जहाँ पे चाट पकौड़े मिलता है.
बच्चों की नानी जी उनके लिए फ्रूटी ले रही है। बच्चों की नानी जी भी आ गई। ये देयर यू गो माजा, इट्स अ माजा। टू टू फ्रूटी, टू फॉर यू टू फॉर हिम। कम ऑन प्रिशा, सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। चलो जी हम लोग आ गए घर। बच्चों की नानी जी गई हैं अपने सुंदर कांड के पाठ में, उनको आज जाना था पूजा पाठ से रिलेटेड। और मेरी वहाँ पे कोई फ्रेंड नहीं आ रही थी तो मैंने कहा चलो मैं तो घर पे रह जाती हूँ, देखते कोई आया। अच्छा बच्चों की नानी जी आई हैं, क्या हुआ? अरे वो भूल गई कुछ। बच्चों की नानी जी आ गई है वापस से कुछ लेने के लिए, अपना सामान लेके जाएंगे। आदि प्रिशा डिड यू गाइस वॉश योर हैंड्स? यस। व्हाट आर यू डूइंग प्रिशा? ओके आदि टेक आउट योर सॉक्स। आदि टेक आउट योर सॉक्स। हाँ बेटा, यू नो व्हाट आई ऑलवेज गेट, फर्स्ट टेक आउट योर सॉक्स देन वी विल टॉक। यू नो व्हाट आई ऑलवेज गेट कंफ्यूज्ड, प्रिशा बीइंग अ रैंडम पर्सन दिस वे। ओके मम्मी क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? चलो मम्मी आई हुई है अपना सामान लेने के लिए, अब वो जाएंगी। नीचे ऑटो वाले भैया भी खड़े हुए हैं, और हम लोगों का जो रियल क्विक में जो फटाफट से मुझे काम करने थे वो भी मैंने कर लिया, अभी हो गया मेरा काम। और हाँ मैं एक मिक्सी खरीद के लाई हूँ, उसका मैं ज़रूर से आप लोगों को बताऊँगी। चलिए हाँ बेटा, यस ओके चलो आप आ जाना शाम तक, है ना? मुझे कॉल कर लेना, और मैंने आपको जो बोला बस वो ले आना। चलो जी मम्मी तो गई है, मैं यहाँ पे बैठती हूँ शांति से। सर थोड़ा सा चढ़ गया है मेरा, पानी पीऊँगी, बच्चों को भी पानी पिलाऊंगी, थोड़ा शरबत वगैरह बना लेती हूँ। घर में शरबत ला के रखा है मम्मी और मैं ना, यहाँ पे पास में वहाँ गए थे क्या बोलते हैं किराना स्टोर में, तो वहाँ से हम लोग है ना शरबत वगैरह लेकर आते हैं। शरबत का फ्लेवर कौन कौन सा है? शरबत है खस, लीची और गुलाब, और मैं पीऊँगी खस वाला। अच्छा तो जो शरबत है ना वो वाला हम लोग लेकर आए थे गुरुजी की, गुरुजी का खस शरबत लेकर आए थे। इसकी ठंडाई वगैरह भी बहुत फेमस है, मेरे यहाँ पड़ा हुआ है वहाँ पर होता ही है कि ना खस की जगह कोई नहीं ले सकता यार, सीरियसली। ठंडाई तो है ना इधर उधर पेवा जाती है, पर खस ऐसी चीज़ है जो पानी में भी और दूध में भी इतना यम्मी यम्मी लगता है ना, सीरियसली यार। बच्चों को भी गुल बर्फ के लड्डू में बहुत अच्छा लगने लग गया है, तो मैं यही सोची थी। और कल मैं थोड़ी बिजी हूँ, कल मेरा ना अलग ही मेरी एक कजिन है उसके साथ मेरी प्लेडेट वगैरह है, सब यहाँ पे प्लेडेट सेट कर रखी है बच्चों की। हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं एक साथ। कितनी बार ऐसा होता है कि मैं रिकॉर्ड करती हूँ एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ, कितनी बार ऐसा होता है कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर इतना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं कि रिकॉर्ड करना ही भूल जाते हैं, फोटो ज़रूर खींच लेते हैं, ऐसा हो जाता है काम। और ऑफ कैमरा भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं क्योंकि इतने टाइम के बाद मिल रहे हैं ना इतने सारे लोगों से, तो वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल से हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि यू नो ये चीज़ें तो काफ़ी प्राइवेट हो जाती हैं, तो फिर मुझे भी ऐसा लगा कि यार वो मोमेंट्स को जी लेना ज़्यादा अच्छा है। और मार्केट वगैरह में मैं ज़्यादा निकालती नहीं हूँ क्योंकि बहुत टेंशन वाला काम हो जाता है मार्केट में, जब निकालो ना तो सब सारे के सारे कैमरे की तरफ ही देखना शुरू कर देते हैं, और कितने सारे तो यहाँ पर भी है ना ये फ़ोन झपट्टा चल रहा है तो ये फ़ोन भी नहीं लेकर चालू कर सकते। फ़ोन चालू करके आप अपनी रिकॉर्डिंग करोगे कौन आएगा हाथ से छीन के निकल जाना पता नहीं पड़ता यार, मेरा फ़ोन तो सबसे बड़ी जान है मेरी इसीलिए। चलो एक बार बच्चों से पूछ लेती हूँ कि वो लोग खस का शरबत पियेंगे क्या। आदि प्रिशा डू यू गाइज वॉन्ट खस का शरबत? यू वॉन्ट लीची और खस? ओ ये यू गाइज ड्रिंक इट। ओके बच्चे तो नहीं पी रहे क्योंकि इन लोगों ने ना अभी हाल वो फ्रूटी पी है, तो मैं अकेली मेरे लिए बना लेती हूँ।
खस का शरबत, मेरा गिलास कहाँ पड़ा हुआ है। बाहर का मौसम ना इतना ज़्यादा उमस वाला हो रखा है यार, इतना घूम फिर के आए हैं तब भी पता है हवा तो बिल्कुल नहीं चल रही है। पता है वो तो क्या ऑटो चलती रहती है ना एक स्पीड के कारण, तो उससे थोड़ी हवा लग जाती है, लेकिन जैसे ही हम लोग लिफ्ट में चढ़े हुए वापस से उतर के ना, तो एक्सट्रीम पसीना आ रहा है। सोचो लिफ्ट से चढ़ के ऊपर आने तक ही हमको पसीना आ गया, मतलब इतनी उमस है यार, सीरियसली उमस है, गर्मी है। थोड़ा सा खसका शरबत डाला है, फिर थोड़ा सा पानी डाला है, और अच्छे से उसको ना चम्मच वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छे से हिला लो इस तरीके से गोल गोल घुमा के, हो जाता है काम। उसके बाद इसके अंदर पानी डाल लो, बस आपका खसका शरबत तैयार है। इसको रख देती हूँ फ्रिज में वापस। आपका खसका शरबत रेडी है। वाह वाह, बहुत ही अच्छा बना। पता है हम लोग बचपन में क्या करते थे, हम लोग जब छोटे थे ना तो हम लोग ऐसे करते थे, एक कटोरी में ना अपना हम लोग क्या करते थे, सब एक तपेली में ना ढेर सारा खसका शरबत बना के तपेली के अंदर, और फिर छोटी छोटी कटोरियों में ना ऐसे जमा के फ्रिज के अंदर रख देते थे, क्योंकि हमको खुद को बर्फ़ के लड्डू खाने होते थे इसीलिए। तो नानी जी बोलती थी, हमारी नानी जी, जब हम नानी जी के घर में इकट्ठे होते थे तो वो बोलती थी बाहर नहीं जाना, बाहर का पानी अच्छा नहीं होगा और महंगा भी बहुत पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते थे, अपनी अपनी कटोरियाँ लेते थे, अपने अपने जैसे छोटी बड़ी, किसी को स्क्वायर चाहिए, किसी को गोल चाहिए, किसी को स्टार वाली शेप की चाहिए, बहुत अलग अलग तरह की कटोरियाँ हुआ करती थी। तो हम लोग क्या करते थे, बस ऐसे ही इस तरीके से ना उसके अंदर पानी भर के रख देते थे फ्रिज के अंदर, और जब फ्रिज के अंदर रख देते थे ना तो 3-4 घंटे के बाद ना वो इस तरीके से बर्फ़ बन जाता था, इतना अच्छा लगता था। फिर उसको ना हम लोग चम्मच से तोड़ तोड़ के खाते थे, तो ये बहुत अच्छी बात होती थी। हम लोग यही सोचते कि यार देखो घर के ताज़े पानी में खसका वो बर्फ़ का लड्डू बन गया है ना कि नहीं। चलो मैं यहाँ पे लेटती हूँ थोड़ी देर, और कल रात को जो मिश्री की दुकान से, नीचे मिठाई की दुकान से जो मैं मिठाई लेकर आई थी, वो मिठाई ख़त्म भी हो गई। पता है कितनी जरा सी मिठाई थी पर बहुत टेस्टी थी, सीरियसली यार उसका मिल्क केक तो इतना अच्छा था ना। शुरू से ही मुझे मिल्क केक का बहुत शौक है, चाहे कितनी महंगी से महंगी मिठाई क्यों ना लो यार, मिल्क केक की बात ही अलग है। सीरियसली वो बंगाली मिठाइयाँ तो इतनी एक्सट्रीम लेवल मीठा हो गया ना यार, और सही बताऊँ एक टाइम के बाद ना आपसे ज़्यादा मीठा भी नहीं खवाया जाता है, सीरियसली मैं बता रही हूँ आपको। बॉडी ना आपकी एक्सेप्ट नहीं करती इतना मीठा खाना, इतना घी सब कुछ खाना, बाप रे। पता नहीं जो खाते हैं तो खाते हैं भाई, हम लोग तो बहुत कम खाते हैं, बहुत कम प्रेफर करते हैं, थोड़ा सा खा लिया बस बहुत हो गया, अब ज़्यादा मीठा खवाता नहीं है। और वैसे भी जब से पता पड़ा है, जब से ही रिसर्च में आया कि शुगर इज़ अ फॉर्म ऑफ कैंसर ओनली, तो फिर क्यों लेना है वो चीज़ें, क्यों ज़्यादा फोर्समेंट में करनी है और लानी अपनी तबीयत ख़राब करनी, इसीलिए। चलिए मैं यहाँ पे अपना शरबत पीती हूँ, आराम से बैठती हूँ, मम्मी तो गई नहीं है और हम लोगों ने खाना खा लिया है, बच्चों ने फ्रूटी पी ली है, घूमना फिरना भी हो गया, अभी बाहर से आए एक थोड़ा सा चक्कर भी हो गया, और अब थोड़ी सी देर यहाँ पे लेटती हूँ और बिग बॉस देखती हूँ। कल रात का बिग बॉस मेरा छूट गया था तो वो देखती हूँ। चलिए वेलकम बैक, सी और आईडी, अभी है शाम का टाइम, बच्चों की नानी जी को थोड़ा टाइम हो जाएगा तो हम लोग जा रहे हैं रियल क्विक में। Wait, where?